dear students Assalamu alaikum today we are going to do the final session in our series on quickbooks in this session we are going to close our accounts within quickbooks as you know in accounting at the close of year we close our books and no further entry is allowed because all reports have been published and they are ready for audit this is the case with quickbooks also where you can do a closing एंड यू कैन क्लोज ऑल ट्रांज़ेक्शन फ्राम द डेट यू गिव एंड नो मोर ट्रांज़ेक्शन्स वुड बी एप्लीकेबल और इंटरेबल आफ्टर दैट कट ऑफ डेट दैट यू हैव गि जब भी आप क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग में आपके इनकम और एक्सपेंसिस का जितना भी काम हुआ होगा वो कैलकुलेट करके हमें ये पता चलता है कि हमारा नेट मार्जिन क्या है और ये नेट मार्जिन आपकी रिटेन अर्निंग्स में जाके जमा हो जाता है और जब आप क्लोजिंग कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तमाम अकाउंट सिफर हो जाता है और नेगेटिव एक्सपेंसेस और पॉजिटिव आपकी इनकम को एक दूसरे में जमा करने से जो हासिल होता है वो रिटेन अर्निंग्स में आ जाता है और हम नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स एंट्री के लिए तैयार हो जाते हैं ये काम फिज़िकली बाहर भी करते हैं लोग लेकिन जब आपके पास सिस्टम है तो हम चाहेंगे कि ये सारा काम सिस्टम में ऑटोमेटिकली खुद करके हमें दे हमारा क्विक बुक्स ये तमाम काम कर देता है और क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि हम अपनी एक्सपेंस और इनकम वाला सेक्शन कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं उसकी सारी वैल्यूज़ हम रिटेन अर्निंग्स में ले जाते हैं तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि अगर क्लोजिंग के बाद कोई एंट्री होगी तो हमारी तमाम रिपोर्टिंग तमाम रिटेन अर्निंग की फिगर्स और तमाम इनकम और एक्सपेंसेस गलत हो जाएंगे इसीलिए जैसे ही हम क्लोजिंग करते हैं उसके बाद उस पीरियड में मज़ीद डेटा एंट्री मना हो जाती है लेकिन ये याद रहे कि बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं जो कि अब भी एप्लीकेबल हों अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट है जबकि मैंने अभी कहा है कि ट्रांजेक्शन हमें नहीं करनी तो फिर भी वो एप्लीकेबल होगी वो डॉक्यूमेंट्स हैं मिसाल के तौर पे हमारे एस्टिमेट हमने एस्टिमेट बनाया था और अभी तक उस एस्टिमेट के मुताबिक काम हो रहा है एस्टिमेट जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग में उसका डायरेक्ट असर कोई नहीं हो रहा इसलिए एस्टिमेट हम अभी भी इन्वॉइसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम जब क्लोज करें वो पीरियड तो हम ये चाहते हैं कि एस्टिमेट उसके साथ क्लोज ना हो जाए ये मुमकिन है इसी तरह से अगर आप देखें परचेज़ ऑर्डर परचेज़ ऑर्डर आपने पिछले फिस्कल ईयर में दे दिया है और इस पीरियड में उसकी आपके पास डिलीवरी मुतव है आपको माल मिलने की उम्मीद है तो हम वो पी ओ भी जो हमने अपने किसी वेंडर को अरसाल किया हुआ है उसे दिया हुआ है वो भी हम ओपन रखना चाहेंगे ताकि हम देख सकें कि उसको जो हमने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक से हमारा माल आया भी या नहीं तो इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें हम क्लोज नहीं करना चाहते और हमें क्विक बुक्स ये प्रोविज़न देता है कि आप सिर्फ़ वो डॉक्यूमेंट्स क्लोज करें जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ अकाउंटिंग से है आइए चल के हम क्विक बुक्स में देखते हैं कि हम ये क्लोजिंग कैसे करेंगे और इसका इफेक्ट किस तरीके से हमारे रिकॉर्ड्स में आता है लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स अब हम क्विक बुक्स में अपनी बुक क्लोजिंग करने लगे हैं बुक क्लोजिंग का मैंने आपको बता दिया है कि हमारे तमाम अकाउंट्स उस जगह जाके कैलकुलेट होके रिटेन अर्निंग्स में आ जाएंगे और उसके बाद मज़ीद डेटा एंट्री पॉसिबल नहीं होगी और याद रहे कि ये प्रैक्टिस भी सही है लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोई आपसे गलती हो गई है और पिछले पीरियड में अभी आप ठीक करना चाह रहे हैं तो ये प्रोविज़न इसके पास है कि आप दोबारा से वो पीरियड ओपन कर लें लेकिन अब वो पीरियड पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है जब आप वो पीरियड दोबारा से ओपन करके उसमें चेंजेस करेंगे तो याद रहे कि जितनी रिपोर्टें आपने पहले फ़ाइनलाइज़ की हैं सारी की सारी गलत हो जाएंगी और हमें दोबारा से क्लोजिंग करना पड़ेगा आइए देखते हैं कि हम क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं आप सबसे पहले क्योंकि आप कंपनी की क्लोजिंग कर रहे हैं इसलिए आपने जाना है कंपनी में कंपनी के बाद आप देख सकते हैं कि सेट क्लोजिंग डेट ये हमसे हमारा सिस्टम पूछता है कि आपके सिस्टम की क्लोजिंग डेट कौन सी है आइए हम इसको एक क्लोजिंग डेट देते हैं जैसे ही आप सेट क्लोजिंग डेट पे आएंगे तो ये हमारे प्रेफरेंसेस के टैब में आ जाएगा और उसके अकाउंटिंग सेक्शन के कंपनी प्रेफरेंसेस में आपको लेकर आएगा सबसे नीचे जो दिया गया है उस पर लिखा हुआ है सेट डेट एंड पासवर्ड जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें सेट क्लोजिंग डेट एंड पासवर्ड की स्क्रीन नजर आएगी इसको थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि हमें क्लियर हो जाए कि ये हमसे क्या कह रहे हैं सबसे पहले वो से पूछ रहा है कि एक्सक्लूड एस्टिमेट्स सेल्स ऑर्डर्स एंड परचेज ऑर्डर फ्रॉम क्लोजिंग डेट रिस्ट्रिक्शन क्लोजिंग डेट की रिस्ट्रिक्शन से क्या हम अपने पी अपने सेल्स ऑर्डर जो हमारे गए हुए हैं सर्विसेज के लिए और जो हमारे एस्टिमेट्स अभी तक अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं क्या उनको मुस्तना कर दें तो हम कहेंगे जी हाँ उनको हम मुस्तना कर देना चाहते हैं ताकि हम इसे इस्तेमाल कर सकें अपने नेक्स्ट ईयर में भी याद रहे कि पीओ का मतलब ये नहीं होता कि एक ही फिजकल ईयर में वो चीज़ कंप्लीट हो जाए अगर आपने फिजकल ईयर अपना सेट किया हुआ है 30 जून को एंड हो रहा है और आपने कोई पीओ दिया है 25 तारीख को जो कि जुलाई में आएगा तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो जो चीज़ जुलाई में आए वो आप पिछले पीरियड में रिकॉर्ड कर लें तो इसलिए उस पी की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए जब तक कि हम उस चीज़ को अपने पास रिसीव ना कर लें इसीलिए लिए एस्टिमेट्स पी ओस, सेल्स ऑर्डर हम जो हैं अपने पास रखना चाहते हैं ताकि ये आइंदा आने वाली इन्वासिंग के लिए आइंदा आने वाली बिलिंग के लिए आइंदा आने वाले पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकें तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने वहाँ एक एक्सक्लूजन लगा दी है मुस्तना करार दे दिया है किनको अपने पी को अपने एस्टिमेट्स को और अपने सेल्स ऑर्डर को जो हम क्लोजिंग डेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं पंद्रह दिसंबर इससे क्या होगा अफेक्ट वो हम देख लेते हैं और क्लोजिंग डेट का अब हम इसको पासवर्ड देने लगे हैं इसका मतलब ये है कि जब हम ये चीज़ दोबारा से इस्तेमाल करने चाहेंगे तो हमसे ये एक पासवर्ड पूछेगा और हमें वो पासवर्ड दे के ही इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी आम तौर पर जब मल्टी यूज़र सिस्टम ये आप लगाते हैं तो ये एडमिन के पास प्रोगेटिव होता है उसके पास ये हक़ हासिल होता है कि वो ये सारी चीज़ें कर सके लेकिन क्योंकि आप ये आप सिंगल यूज़र में प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इसलिए ये आपके पास भी हक हाँ है लेकिन क्योंकि ये सिस्टम पूरा का पूरा हमारे पास मौजूद है तो ये हमसे पूछेगा ज़रूर कि ये आपने कर दिया है ये सेट है सब कुछ या नहीं जब हम इसको ओके okay कहेंगे अब हमारे पास डेट वगैरह सारी चीज़ें सेट हो गई हैं अब हम दोबारा से इन पे जाते हैं और किसी पिछली इन पे जाते हैं अब हमने इसके अंदर चेंजेस कर दी हैं लेकिन हमारी क्लोजिंग डेट थी पंद्रह दिसंबर जैसे ही हम इसको कहते हैं सेव एंड न्यू तो ये कहता है कि आपने पुरानी उसमें चेंजेस की है क्या आप ये रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं लेकिन जैसे ही हम इसे ओके okay कहेंगे आप देख सकते हैं कि इसने कहा दिस मॉडिफिकेशन विल इफ़ेक्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम क्लोज पीरियड एंड कूड ऑल्सो अफेक्ट प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर आपको इसके बावजूद भी इसमें चेंजेस करनी है तो वो पासवर्ड दें जो एडमिन के पास है जिसने कि ये ईयर क्लोज किया था क्योंकि हम ये चेंजेस नहीं करना चाह रहे हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये काम किया था तो यहाँ हम वह भी फ़िलहाल पासवर्ड नहीं देंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम हमें रोक रहा है प्रीवियस पीरियड में जो हमने क्लोज़ कर दिया है उसके अंदर किसी किस्म की भी डेटा एंट्री मजीद करने से लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है कि हम पिछले पीरियड में जाके डेटा एंट्री करें लेकिन कभी कभार मैनेजमेंट के कहने पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अपने फैसले के मुताबिक पिछले पीरियड में कुछ ना कुछ रद्दबदल करना पड़ जाता है आमतौर पर यह फाइनल रिपोर्ट करने से पहले होता है आपकी जो फाइनल रिपोर्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो बैलेंस शीट स्टेटमेंट है अगर उसमें कोई चीज़ गैर मामूली है जो कि आपने एंटर नहीं की थी कोई डेटा आपने नहीं डाला था कोई इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिली है और उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स फ़ाइनल करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि उस बुनियाद पे आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक स्पेशल कंसिड्रेशन करते हुए स्पेशल रिक्वेस्ट करें और इस ऑथराइजेशन के बगैर आप पिछले पीरियड में जाके नई एंट्री नहीं कर सकते जो कि क्लोज़ हो गया हो ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस की भी ख़िलाफ़ है और वैसे भी आपके डेटा पे भी इसका गलत असर पड़ता है क्योंकि एक चीज़ क्लोज़ हो गई है अब आपने दोबारा उसके अंदर जीरो हो गई है बल्कि क्योंकि हमने सारी चीज़ें उठा के रिटेन अर्निंग्स में ले गए और उसके बाद आपने डेटा एंट्री कर दी जैसे आप इनवॉइस डालेंगे आपको पता है कि आपका गुड सोल्ड भी बढ़ जाएगा और आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी ये पहले ही क्लोजिंग की वजह से ज़ीरो हुए हुए थे तो इसका मतलब ये है कि आपने दोबारा से इस पीरियड को ओपन करना है और इसको दोबारा से क्लोज करना पड़ेगा जैसे ही आप इसे डेटा एंट्री के लिए पासवर्ड डाल के खोलेंगे ये ओपन हो जाएगा पीरियड और इसका मतलब ये है आपने क्लोजिंग दोबारा से करनी है सो नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्लोजिंग एंड हाउ इट इज़ हैंडल विद इन क्विक बुक्स क्विक बुक्स इसे बिल्कुल सही तरीके से हैंडल कर रहा है हर चीज़ बाय द बुक करता है एज पर लॉ करता है और एज पर अकाउंटिंग प्रैक्टिस करता है सो इफ़ देर इज़ अ नीड फॉर अ चेंज इट हैज़ टू बी ऑथोराइज आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना और जब आपको पास अथॉरिटी लेटर आ जाएगा तब आपने खोल के देना है ताकि जिसने चेंजेस करनी करे और दोबारा से आपने इसकी क्लोजिंग करनी अकाउंट्स क्लोजिंग आमतौर पे कंपनियों में एक सालाना एक्सरसाइज होती है और क्लोजिंग के वक्त हम अपनी सारी अकाउंट्स में अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑन द फ्लाय चलते हुए फ़ॉर ही प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिखा देता है तो हमें जो एक पुराने सिस्टम्स में ग़लती हुआ करती थी कि जब तक क्लोजिंग ना करे प्रॉफिट एंड लॉस की हमें फिक्र नज़र नहीं आती थी ना बैलेंस शीट की फ़िक्र नज़र आती थी वो वाला मसला इसने बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम इंसान हैं और गलती हो सकती है हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसे रेक्टिफाई करने का भी तरीका है लेकिन दैट नीड्स प्रॉपर ऑथराइजेशन सिस्टम आपको तमाम रिपोर्टिंग बिल्कुल सही कर रहा है और ये एलिमिनेट कर देता है बहुत हद तक ये ज़रूरत कि आप क्लोज पीरियड खोल के उसे ठीक करें एक दफ़ा पीरियड क्लोज हो गया नो मोर ट्रांजेक्शन आर अलाउड क्योंकि हमारी अकाउंट्स फाइनलाइज़ हो है, गए हैं रिपोर्टें चप गई हैं और उसके बाद उसमें मज़ीद एंट्री जो है वो एथिकली और अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अगेंस्ट जाती है तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम में बसानी क्लोजिंग कर सकते हैं और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर एज़ फार एज क्विक बुक्स कंसर्न